हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की हिंदी की बुक रिमझिम का पार्ट 9 स्वतंत्रता की ओर के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, इस पार्ट में स्वतंत्रता से पहले के बारे में दिया हुआ है, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यह अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते कि मैं 9 साल का हूँ, इसीलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, धनी मन ही मन बड़बड़ाया। बच्चों, धनी जो है वो ये छोटा सा बच्चा है जो कि 9 साल का है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत गाते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते थे। बच्चों, उस समय भारत में स्वतंत्रता की लहर उठ रही थी, हर कोई आज़ाद होना चाहता था, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना चाहता था। तो इसीलिए सभी गांधी जी के आश्रम में रहने आया करते थे, क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहे थे और वह स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे। आगे साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। ये सब काम साबरमती आश्रम में जो जो लोग रहते थे उन सबको खुद करने होते थे। धनी का काम था बिनी की देखभाल करना। और धनी को क्या काम मिला हुआ था, ये छोटी सी जो बकरी दिखाई है उसका नाम बिनी है, उसकी वो देखभाल करता था। बिनी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिनी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिनी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिनी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो बच्चों, इस समय पे आश्रम में गांधी जी योजनाएं बनाते थे कि किस तरह से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करनी है, क्या करना है आगे। और मतलब वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, वो बिना किसी हथियार को उठाए लड़ाई करना चाहते थे। मतलब इस तरह की लड़ाई जिसमें हथियार ना उठाए जाएं और अपनी योजनाओं से सरकार को अपनी बात मनवाई जाए। बिनी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी, कूदती फांदती बिनी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं, धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा ज़रा गुस्से से बोली, मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या, बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। वो मतलब कि जानना चाहता था कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि कोई भी उसे अपनी योजनाएं नहीं बता रहा था, क्योंकि वो बहुत छोटा था। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिनी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। गाँव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुँच कर वे नमक बनाएंगे। नमक, धनी चौंक कर उठ बैठा, नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से ख़रीदा जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूँ कि यह जो पाठ है यह गांधी जी के नमक सत्याग्रह पर आधारित है। 12 मार्च 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, तो उस समय गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल 24 दिनों तक गए थे और वहां समुद्र तक पहुंचकर फिर उन्होंने नमक बनाया था। और बच्चों, नमक इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों ने नमक, चाय, कपड़ा सभी पर
कर लगाया हुआ था, यहाँ तक कि नमक जैसी चीज़ पर भी कर लगाया हुआ था। इस वजह से नमक उन्होंने बहुत ही महंगा कर रखा था। तो गांधी जी ने उनकी इस आदेश को अवहेलना करते हुए समुद्र पर जाकर नमक बनाया खुद से। उस समय भारतीय लोगों को नमक बनाने पर रोक थी, इसीलिए गांधी जी ने ऐसा किया था ताकि सभी एकजुट हो सकें और वे सरकार को इस तरीके से चुनौती दे सकें कि इतनी हमारे देश में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनके लिए भी हम इतने ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। और अपने भारत को एक तरीके से वो आज़ाद भी करवाना चाहते थे और देश को भी एकजुट करना चाहते थे। तो अब आगे, हाँ मुझे मालूम है बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है। वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है, धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। बच्चों उस समय जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को नमक बनाने पर रोक लगा रखी थी और वो उससे नमक पर कर लिया करते थे ताकि हर किसी को क्योंकि नमक की ज़रूरत है तो वो नमक खरीदेंगे और उससे टैक्स जो मिलेगा वो सरकार को मिलेगा तो सरकार का फ़ायदा होगा। तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को यह कर हटाने को कहा पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे, एक महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल चलेंगे तो यह खबर फैलेगी, है ना बच्चों? जैसे लोग सोचेंगे कि आखिर ये लोग इतना पैदल चलकर क्यों जा रहे हैं, किसी गाड़ी से भी जा सकते हैं, बट अगर पैदल जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग, भीड़ जाती है तो लोग उन पर ध्यान देते हैं, तो फिर अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी, बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो हैं ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों छोटे बच्चे तो इतना लंबा नहीं चल सकते ना, वो तो तुरंत ही थक जाते हैं। धनी ने हठ पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। अब धनी जिद करने लगा। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वे ज़रूर हाँ कहेंगे, धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वे सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बातें करने लगे। धनी और बिनी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा, बिनी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी। बापू, और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिनी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा,
और यह बताओ धनी कि तुम और बिनी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्योंकि गांधी जी ऑब्जर्व कर रहे थे कि उनके पीछे बार बार बच्चा चल रहा था ना, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे तो बिनी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊँगा, इसीलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे मिक्की मेरी ताकत लौट आए। गांधी जी ने बोला कि उन्हें दूध पीना पड़ेगा ताकि ताकत आ जाए। बच्चों ताकत आने के लिए हमें दूध या पौष्टिक आहार, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी चाहिए, ना कि जंक फूड, इसलिए आपको जंक फूड नहीं खाने चाहिए। यह बात तो ठीक है, बिनी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ, धनी ने प्यार से बिनी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिनी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ जरूर करूँगा, धनी बोला। बिनी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। बच्चों ये पाठ लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता और इसका अनुवाद किया है हिंदी में मनीषा चौधरी ने। प्रिय बच्चों अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को कर लेते हैं। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई तीन बातें यहाँ लिखो। बच्चों अब गांधी जी को सभी प्यार से बापू बुलाया करते थे, तो चलिए उनके बारे में कुछ तीन बातें आपको बतानी है जो कि कहानी में दी है। तो पहली बात है, गांधी जी रोज़ सुबह आश्रम में टहलते थे और उसके बाद चरखा कातते थे। दूसरी है, वे ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करते थे, अपने देशवासियों को अपना हक दिलवाना चाहते थे। तीसरी बात है, वे धनी जैसे छोटे बच्चों की बात भी गौर से सुनते थे और उन्हें अच्छे ढंग से अपनी बात समझाते थे, जैसा कि आपने अभी कहानी में पढ़ा भी था। चूल्हा, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहला है स्टोव, दूसरा है हाथ से बना हुआ मिट्टी का चूल्हा, तीसरा है गैस स्टोव और चौथा है भट्टी जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता है। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों पहला है स्टोव में मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। हाथ से बनाए मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और गैस स्टोव में LPG गैस का इस्तेमाल होता है और भट्टी में कोयले का इस्तेमाल होता है। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों आपको इसका नाम यहाँ पर लिखना है नीचे। चलिए बच्चों अब इसके हम कहानी के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। जहाँ ये लिखा है कहानी से, यहाँ पर है ये, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा, मतलब धनी को वही समय सबसे सही क्यों लगा? तो इसमें आपको लिखना है, गांधी जी आश्रम में रोज़ सुबह पैदल घूमते थे, इस समय उनसे मिलना आसान था। दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि बच्चों दिन में वो किसी न किसी काम में व्यस्त रहते थे। खा, धनी बिनी की देखभाल कैसे करता था? तो उत्तर होगा, वह बिनी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था, उसे आश्रम में घुमाता और उससे बातें करता था। तीसरा है, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? तो इसमें आपको लिखना है, गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में बातें और सलाह मशविरा करते हुए देख कर धनी को ऐसा लगा होगा कि वे कोई योजना बना रहे हैं। क्योंकि बच्चों कभी कोई इस तरह से बातें कर रहा होता तो हमें भी लगता है ना कोई बात ज़रूर है जो इस तरह से बातें चल रही हैं, तो सेम इसमें भी ऐसा ही हुआ होगा। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू बच्चों।